आ गए तारे बाबा की कुटिया, ये पड़ता है अपने सिरसा के पास में, देख सकते हैं आप लोग। सो हेलो गाइस, मौजूद नहीं मिले तो खोज लो गाइस। अब आ गए तारे बाबा की कुटिया में सिरसे के पास में, वहां पे चल के अब सबको दिखाएंगे आपको। पहले गाइस ये हाथी राजा देखो अपने, हाथी राजा मस्त कलंदर, सुबह जलंधर सामने दिल्ली। ये वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटी। वो देखिए दोनों साइड गेट के ऊपर, अब अंदर जाके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये मेन गेट, कहने क्या बात है, अब ड्रोन की परमिशन ले ली है, अब ड्रोन पहले उड़ाने जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह इसका फेस है, इंटरफेस। भोलेनाथ की मूर्ति बहुत बड़ी है, और अब ड्रोन उड़ा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। ऊपर से ड्रोन शॉट एंजॉय करना। श्री कृष्ण जी, कुछ इंटरफेस नहीं। सामने गेट है, सामने है मेन गेट, और इधर देखिए शिव जी की अपने स्वरूप लग रखे हैं। बहुत मजा आएगा, अभी ड्रोन भी ले आए, उड़ा के दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखना इतना आनंद आएगा ना। तारे बाबा की कुटिया आई है, अभी जोड़ा घर इधर है, सामने भोलेनाथ जी इधर जी। इसकी हिस्ट्री बहुत तगड़ी है, अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ हिस्ट्री है ही नहीं पर बहुत तगड़ी है, अभी दिखाता हूँ। बना रखी पहले, झरना भी ला रखा जी, शेर वाले शेर भी अपने, बाबे की भोलेनाथ की मूर्ति अपने देख ली, इधर हनुमान जी देख लो जी, और आगे अंदर दिखाएंगे आपको क्या चल रहा है। चलो जय बाबे दी, ये सब कुछ बाबे तारा जी, मैं कहने बाबा तारा जी, बाबा तारा जी, बाबे तारे जी, बहुत तगड़ा सा भाई। नहीं कह रहे पानी पी रहा भी शेर, क्या पी रहा, पानी पी रहा। ये देखिए अजगर साहब, अजगर की पूछ हिलता हूँ पूरी। वाह 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 वाह, आ शेर वाली माता चेक करो जी, शेर वाली माता, जय माता छोटी। पक्ष भी ला रखे कि मतलब कि इम्यूनिटी कमी ना हो, क्या कहते उसको ना, शिवलिंग ही लग रही है अपन तो। गुरु नानक देव जी फोटो देखो, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक दास में पता है पिता जी सारे। जय बाबा, नीचे घुस के जाना ही पड़ेगा, देखो क्या दस रहे। इधर हैरन वाले शेर देखो बाबा जी, किन्ने सोहने लग रहे। करिए बाबा जी के साथ संगत बैठी, और गौशाला मतलब गौ माता भी बैठी, उधर संगत बैठी, और उधर बाबा जी बैठे अपने फुल दे रहे, और उधर देखिए। अगर किसी ने भी आना सरसे के पास तारे बाबा की कुटिया में, आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे देखिए पूरे बाबा जी की मतलब कि पूरा गांव बना रखा है, इधर छप्पड़ डाल रखे हैं, उधर ये माता रोटी बना रही है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे महाराज जी, यहाँ पे गौ माता फिर से आ गई, यहाँ पे फिर हुई, ये देखिए कुछ इस तरह। और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना अगर ये आपको बढ़िया लग रहा व्लॉग। कौन सी बाबा की कुटिया, तारे बाबा की कुटिया सरसे के पास, अगर आना तो हार्दिक स्वागत है। ओनली सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पे अपने तारे बाबा की कुटिया मिलेगी, यहाँ पे गुफा मिलेगी, भोलेनाथ की मूर्ति मिलेगी, और भी बहुत कुछ मिलेगा। जरूर आना अगर आपने इंजॉय करना, अगर भोलेनाथ के भक्त हो तो यहाँ पे जरूर आना, क्योंकि एक एक जिंदगी इंजॉय करो। आगे मिलते हैं, अब आगे देखिए यहाँ पे खूह बना रखा मतलब कि पानी निकालने वाला, इसके अंदर ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि अगर फोन गिर गया तो काम तमाम। तो परिक्रमा कर देते हैं इसकी, जय बाबा जी, जय बाबे जी। यहाँ पे देखिए और क्या होता है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे भी कुछ ऐसी कुछ बन रहा है, पर ये देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे लग रहा है मूर्ति लगेंगी बड़ी बड़ी, कंस्ट्रक्शन बढ़िया चलती है यहाँ पे। गणेश जी की मूर्ति देखिए क्या सुंदर लगे भाई, सुंदर से भी बड़ी चीज है ना वो लग रही है यहाँ पे। जय माता, जय बाबा दी, जय बाबे दी, जय बाबे। देखिए देखिए गुफा गुफा गुफा, एकदम यू टर्न फिर से गया, अरे फिर से बोली आगे जय बाबे दी, फिर से एकदम यू टर्न, फिर से एकदम यू टर्न। पर ना जो आदमी होते ना वो जानवर भी होते हैं, देखिए पान पुड़िया भी थोक रखी यहाँ पे, क्या बताया उनको, कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर से शिवलिंग आ गई, अपने पंखा भी लगा कि वहाँ पर गर्मी गर्मी आ गई, तो गर्मियों में थोड़ा यहाँ पे घुटन महसूस जरूर होती होगी, और यहाँ पे भी शिवलिंग, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब
यहाँ पे भी कुछ बनेगा आई थिंक, और यहाँ पे भी शिवलिंग, और फिर चलते आगे, यहाँ पे भी शिवलिंग, और फिर चलते आगे अपने, वाह वाह थोड़ा सा नीचे झुक कर जाना पड़ता कि सिर सिर में लग जाए, अरे वहाँ पे थी अल, यहाँ पे बाबा बाबा जी आ गए, यहाँ पे फिर से शिवलिंग, यहाँ पे फिर से आगे चल रहे हम, और यहाँ से फिर से शिवलिंग, फिर से आगे चलो, काफ़ी पतला दुबला रास्ता है यहाँ पे, फिर से शिवलिंग जी आ गई, फिर से शिवलिंग आ गई, फिर से आगे चलो, जय बाबे। देखिए पूरा थीम बना रखी समुंदर जब रगड़ा गया था, रड़का गया था, इसे कह देते हैं पंजाबी में, ये क्या सुंदर लग रहा। हाँ जी शेषनाग साहब जी, ये शेषनाग जी उधर, इधर देवी देवता है, इधर राक्षस, ऊपर भोलेनाथ जी बैठे, क्या सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जरूर आना, कोई जो सरसे के पास आएगा यहाँ पे बाबा की कुटिया के पास जरूर आना, तिल्ले बाबा की कुटिया के पास बहुत जरूरी है यहाँ पे आना, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए पीछे धूप आ रही है ना, थोड़ा सा काले आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा दिख रहा है बंद हो रहा, बट क्या बताए, क्या बताए। नंदी महाराज जी ऊपर बैठा रखे, और इधर दोनों तरफ तरसूल है, और बहुत बढ़िया सीन है नंदी महाराज जी, यहाँ पे नंदी जी, यहाँ पे वो अपने गणेश जी। जैमर लगा, सॉरी यार अभी मैंने उड़ा के देखा था, जैमर लगा नहीं उठ पाएगा, जैमर का मतलब यह था कि नहीं उठ पाएगा, मतलब कि ये फ्लाइट जोन एरिया अगर बंद है, देखेंगे अगर कोई ना मिला दिखा देंगे आपको, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या कहने मित्रों, क्या बेहतरीन सीन है ये देखिए, एक तो ये देखिए आपको ऊपर से दिखा रहा, नीचे दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए पीछे से अपनी वो पड़ रही है, वाह ये देखिए। और इसके अंदर करारी क्या लगा रखी है ये, मतलब ये चलते भी होंगे क्या। हाँ भाई ये मोटरें लगा रखी हैं, ये हाथ वो चलते होंगे इनके, ये देखिए, ये देखिए जेल बना रखी, इसमें भी अपने नाम क्या कुछ है, यहाँ पे कृष्ण जी और उनका थीम बना रखा है, जैसे कृष्ण जी नहीं थे वहाँ पे जन्म लिया था जेल में, वो सब थीम बना रखा है। सुंदर भाई यार, ये ना मैंने पहली बार ये चीज़ देख रखी है, मतलब भोलेनाथ की ये मूर्ति इतनी बड़ी, तभी मैं बार बार गोपी जी कर बैठ गई, दूसरी तैयार है, फिर से वहीं पे आ गए, कह रहे शिवा भोले की दुकान, वाह दुकान है, लॉक लॉक है, लॉक है, लॉक है, दुकान का टाइम नहीं अभी, लॉक लगा रखा है, बहुत बेहतरीन, इतना सुंदर व्यू बता नहीं सकते, मुझे ड्रोन उड़ जाता तो और मजा आ जाता, तो क्या होता, सही बात, क्या बात, सही बात है भाई, जैमर लगा रखा वो भाई, अगर ड्रोन उड़ा देते ना, इतना मस्त मस्त सीन आता है यहाँ पे, हम भूल ही जाओ सीन, तो क्या होता। चलो एक्सप्लोर और कुछ करते हैं, अगर बढ़िया अगर और कुछ हुआ तो आपको जरूर बताएंगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, जगह मिलते हैं। मोजिटो खा लिया।